friends, today we study microbiology. Lecture number 2, MIC 301, introductory microbiology. Branches of microbiology: bacteriology, first branch, study of bacteria, simplest organism, और ये smallest और single cell organism होते हैं. इनके अंदर ना ही कोई membrane bonded organelles होती है और ना ही इनके अंदर proper nucleus होता है. Next, mycology, study of fungi. फंजाई माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं. माइक्रोस्कोपिक फंजाई कौन से होते हैं? माइक्रोस्कोपिक के अंदर स्लाइम मोल्ड आ जाते हैं, वाटर मोल्ड आ जाते हैं, और मैक्रोस्कोपिक फंजाई के अंदर मशरूम्स, पफ बॉल मशरूम हम सब शॉप से भी खाते हैं. प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और ये ज्यादातर मोस्टली सिंगल सेल होते हैं, पैरामीशियम. virology, study of virus is known as virology. minute acellular particle parasitize living cell. ये parasitize करते हैं, parasite बनते हैं living organism के, हमारे animal के, और disease cause कर देते हैं. next, phycology, study of algae is known as phycology. सिंपल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज सीवीड, सिंगल सेल से लेके ये लार्ज सीवीड तक भी हो सकते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच है माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी. इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं. माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन. एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म की ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल. इसको हम सेलुलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हम फंक्शंस होते हैं, जिस तरह मेटाबॉलिज्म होता है या फिर इंजेशन होती है या फिर एक्सक्रीशन होती है, उन सबको चेक करने के लिए हम ये माइक्रोबियल फिजियोलॉजी देखते हैं. नेक्स्ट, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी के इनके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इनके अंदर नेमिंग कैसे होती है, इनके अंदर आइडेंटिफिकेशन इस ब्रांच की वजह से होती है, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी की वजह से. माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इसके अंदर हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में के इसके अंदर फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ग्रोथ आ सकती है, रेप्लिकेशन आ सकती है, रिप्रोडक्शन. इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का कहाँ पे रोल हो सकता है, कहाँ पे इनका ये आपस में इंटर रिलेशनशिप हो सकता है. हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं जिसके अंदर वो हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ते हैं और वो नाइट्रोजन एटमोसफेयर से नाइट्रेट वगैरह प्लांट इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा साइकिल है कि वो एटमोसफेयर से आती है और वापस चली जाती है. इसके बाद नेक्स्ट, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है छोटा सा जिससे हमें पता चलेगा माइक्रोबायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांचेस क्या है. बेसिक रिसर्च और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन सी ब्रांचेस आती है, इसके अंदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है और इन रिलेशन टू डिजीज कॉजिंग आ जाता है. काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरियोलॉजी आ जाती है, फाइकोलॉजी आ जाती है, माइकोलॉजी आ जाती है, प्रोटोजोलॉजी आ जाती है, पैरासाइटोलॉजी आ जाती है, वायरोलॉजी आ जाती है, ये भी हमने डिस्कस कर ली है. बायोलॉजिक प्रोसेसेस कौन सी आ जाती है, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म आ जाती है, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म कैसा है, इनकी ग्रोथ कैसी होती है, रेप्लिकेशन कैसी होती है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स आ जाती है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है इनके अंदर, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं. माइक्रोबियल इकोलॉजी आ जाती है, इनका इंटर रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसके अंदर चेक करते हैं. इन रिलेशन टू डिजीज, ये डिजीज कैसे कॉज कर देते हैं. इम्यूनोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी क्या है. इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं और ये इंक्रीज करते हैं कि ये बीमारियों से लड़ सके. एपिडेमियोलॉजी के अंदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन, इसके अंदर मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं. इटियोलॉजी, कॉज मैनर ऑफ डिजीज, इसके अंदर हम कॉज भी डिजीज की पढ़ते हैं और मैनर के कैसे हुआ है और डिजीज पढ़ते हैं. नेक्स्ट, डिजीज रिलेटेड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है. जिस तरह टेटनस का इन्फेक्शन होता है, अगर हम कहीं गिर जाए, कोई ब्लेड वगैरह, कोई लोहे का हमें जख्म हो तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं,
इन्फेक्शन कंट्रोल में हम उसको देख सकते हैं। कीमोथेरेपी, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कैंसर कॉजिंग होता है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, ये मेडिसिंस के जरिए हम कंट्रोल करते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर क्या अप्लाइड रोल क्या है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए इन्वायरमेंट को बेटर करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल के अंदर हमें फूड का भी पता है, ब्रेवरेजेस का भी पता है कैसे बनती है, बेकरीज प्रोडक्ट, यीस्ट, ये सारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इनके अंदर। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है मेडिसिन वगैरह के, कि ये मेडिसिन कैसे बन गई और इसको किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हमने इसको यूज करके बनाया है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका बहुत बड़ा टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं बहुत से प्रोटीन्स को बनाने के लिए, जो इंसानों के अंदर किसी डिजीज की वजह से नहीं बनता, या और भी चीज़ों को, मेडिसिन वगैरह को बनाने के लिए, जिस तरह इंसुलिन वगैरह हो गया। और बस आज के लिए बस इतना ही, इसकी इतनी ब्रांचेज हैं। चलिए, शुक्रिया।